अरे हाँ वंदा, तुझे पता है कल ना मेरी मम्मी ना हेयर पिंस लाई थी। और हाँ, मेरे लिए ना मम्मी ना हेयर क्लिप जो लाई थी ना, वो ना मेरे बैग में है। जब हम क्लासरूम में जाएंगे ना, जब तुझे दिखा दूंगी, ठीक है? ओ वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और ये मेरे लिए भी ले आएगी? मुझे भी इनका सेट चाहिए, हेयर पिन का। अरे हाँ, मैं तेरे लिए मंगाई दूंगी, तू तो मेरी अच्छी फ्रेंड है ना। हाँ चले। सॉरी। अरे कोई बात, तू मत उठा, रुक। ओए गंजी, इधर आ। हाँ आती हूँ। हाँ बोलो। गंजी नीचे देख, तेरे बाल गिरे हुए हैं। अबे तेरे में इतनी अकल नहीं है, नीचे क्या है, उठा के दे। गंजी कहीं की, ये लो। थैंक यू। अगर तुझे भी इसका सेट चाहिए होगा तो हम तेरे लिए मंगा देंगे। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वंदना, तू भी कैसी बात कर रही है, ये अपने हेयर पिंस कहाँ लगाएगी, ये तो टकली है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो गंजी खोपड़ी की है। सही कह रही है तू। अरे हाँ, एक बात याद आई, इसके बाल ना सिर्फ साइड से है, अंदर से तो खोखला है। और गंजी, नई कैप ले लिए? अरे हाँ, कैप तो ले ली। सही है, तेरा अंदर का खोपड़ा ना गर्म नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। अरे ये सब छोड़ो, दीशु तेरा टकला ना मैंने कितने दिनों से नहीं देखा, एक बार दिखा देना। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दे है यूं नैना, जो मिल के रात जाग। मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। मैं कह रहा था कि तुम्हारे स्कूल में ना फैशन शो कंपटीशन हो रहा है, तो तुम सबको ना अच्छे से कल रेडी होके आना है, ठीक है? अपना बेस्ट देना है और हमारे स्कूल को फर्स्ट लाना है। ओके सर। अच्छे से तैयार हो गया ना सारे? ओके सर। चलो ठीक है। वैसे क्या पढ़ रहे हो? एसएसटी। एसएसटी पढ़ रहे हो? चलो कर लेंगे, ठीक है बेटा। वाह यार फैशन शो, सबसे स्मार्ट तो मैं लगूंगा। और मैं सबसे ब्यूटीफुल लगूंगी। अरे चेतना, तू तो बहुत घमंडी है, मैं भी तो सुंदर लग सकती हूँ ना, तो हर समय अपने बारे में ही सोचती रहती है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब था तू ना बुरा मान गई, पर यार देख तो, मैं ना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी पापा ना मुझे एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाई देंगे, पर यार तेरी मम्मी पापा तो जॉब करते हैं, तो तुझे एक्सपेंसिव ड्रेस शायद ना मिले। और हाँ, मैं ना पार्लर जाऊंगी हेयर स्टाइल करवाने। और हाँ यार, तेरे मम्मी पापा ना तुझे इतने पैसे नहीं देंगे कि तू पार्लर जा सके, तू तो शायद ना घर से ही ना हेयर स्टाइल बना के लाएगी। और साथ में मेरी क्लास में ना सारे लड़कियों के छोटे छोटे बाल है इस गंजी खोपड़ी की तरह, तो तू तू रहने दे, है ना प्रा? आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का, सब बच्चे मेरे को चढ़ाते हैं गंजी गंजी गंजी। भगवान जी, आपने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, मेरे बाल क्यों नहीं है? बेटा 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 बेटा, क्या हुआ दीदी आपको? बेटा मेरी ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की, मेरी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की, मुझे सांस नहीं आ रहा, तू जल्दी से जाके पानी लिया। ठीक है दीदी। लो दीदी पानी। थैंक यू बेटा, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी गाड़ी तक जाने की। थैंक यू। कोई बात नहीं दीदी, मेरी मम्मी ने सिखाया कोई भी मुसीबत में हो ना तो उनकी मदद करनी चाहिए। आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आप वैसे हो कौन? बेटा मेरा नाम ना अदिति है और मैं एक जादूगरनी हूँ। अगर दीदी आप जादूगरनी हो तो आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पाई? बेटा मेरा जादू ना सिर्फ दूसरों के ऊपर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी है तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं अपने जादू से तुम जो भी मांगोगी ना वो तुम्हें दे सकती हूँ। दीदी एक बात बताओ, मैं ना गंजी हूँ, मेरे को ना सब गंजी गंजी बोल के चिढ़ाते हैं और कल फैशन शो भी है, तो आप मेरे बाल ला सकते हो? बस इतनी सी बात? अच्छा तुम परेशान मत हो, अपनी आंखें बंद करो, आईज ओपन करो। ओ वाओ, मेरे बाल आ गए। ओ वाओ,
थैंक यू दीदी, अब तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं चिढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन तुम अभी किसी को मत बताना कि ये तुम्हारे असली बाल है। अगर कोई भी पूछे तो बोलना कि मैंने विग लगाई है। और अब जल्दी से स्कूल जाओ, तुम लेट हो रहे हो ना, जाओ जल्दी फटाफट। थैंक यू दीदी। अबे उधर देख, दीशु के बाल कैसे आ गए सिर पे? गंजी खोपड़ी दी है तो। वो ये क्या सो गया? चल उसके पास चलते हैं। गंजी खोपड़ी, तेरे बाल कैसे आई है? मुझे लग रहा है ये विग है ना, क्योंकि इतनी जल्दी किसी के बाल तो नहीं आ सकते। ये ना तेरा विग है। अच्छा, इसने विग लगवाया है। इसने विग ना इसलिए लगवाया है कि जो कल हमारा शो है ना स्कूल में, सबसे सुंदर दिख सके हम दोनों से। बहन तू अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेगी ना, फिर भी कोई फायदा नहीं है तेरा। चल अपने विग वाले बाल लेके चल यहाँ से, बुरी तो लगनी है तुझे। अब ये फेविकॉल मैं चेतना के बाल पे लगाऊंगी। बड़ा बोलती थी ना कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं पार्लर से बाल अपने वैसे करवाऊंगी करवाऊंगी। अब देखते हैं, अब तो उसे एंट्री भी नहीं मिलेगी और ना वो फर्स्ट आएगी और ना उसे कोई घुसने देगा अंदर। अरे यार वंदना नहीं आई ना, पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे वाओ, तुम दोनों तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैं तो हुई ब्यूटीफुल वैसे भी। और यार तू तो बहुत प्रीटी लग रही है। थैंक यू। और तेरे बालों में कुछ लग रहा है। अच्छा तो हटा देना, खड़ी क्या है? वो मेरे को पता नहीं था मेरे हाथ में फेविकॉल लगी है, वो मैंने तेरे बालों पे लगा दी, तेरे बाल खराब हो गए। अरे यार सॉरी चेतन, मैंने जानबूझ के नहीं करा। तू पागल है क्या? तुझमें इतनी भी अकल नहीं, फेविकॉल कौन लगाता किसी के बालों में? अबे यार थोड़ी देर बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट था, अब मैं कैसे जाऊंगी, इन बालों को लेकर जाऊंगी? पार्लर से आई थी अभी मैं, पूरे बाल खराब करके रख दिए। बेटा मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम सारे यहाँ खड़े हो, कंपटीशन चालू होने वाला है, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। चलो सर। चेतना तू रो क्यों रही है? अरे दिशु वो चेतना तू रो मत, तो मैं जादूगर दीदी को बुला के लाती हूँ, अभी रो। दिशु इस चेतना ने तुम्हारा हमेशा इतना मजाक उड़ाया और तुम फिर भी चाहती हो मैं इसके बाल ठीक करूं? हाँ दीदी। लेकिन एक शर्त है, अगर मैं इसके बाल ठीक करूंगी तो तुम्हें फिर से गंजा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, आप कर दो। देखा चेतना, तुमने उसके साथ हमेशा इतना गलत किया लेकिन वो अब भी तुम्हारे बाल ठीक करवाना चाहती है। सॉरी सॉरी दिशु, मैंने तुझे इतना परेशान किया, इतना तंग किया, पर तूने मेरे बारे में इतना सोचा और तू इन दीदी को लाई कि मेरे बाल ठीक हो जाए। और हाँ, तू मेरे लिए तो गंजा होने के लिए भी तैयार हो गई थी कि मेरे बाल ठीक हो जाए। तू सच में दिल की बहुत अच्छी है। और उन दोस्तों ने तो मेरा साथ भी छोड़ दिया, पर तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा अभी तक। और हाँ, आगे से ना मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, ठीक है? तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और हाँ दीदी, मैं दीशु को आगे से कभी परेशान नहीं करूंगी, हमेशा इसके साथ रहूंगी, मुझे माफ कर दो आप। आपको अपनी गलती का रियलाइज हो गया, यही बहुत है। चलो आप फटाफट आंखें बंद करो। थैंक्स। चल दीशु कॉम्पिटिशन में लेट हो जाएंगे नहीं तो। थैंक यू दीदी, बाय।